बताएंगे कि आप ये जलेबियाँ कैसे तैयार कर रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पे ये शीरा रखा हुआ बनाकर और यहाँ पर जलेबियाँ निकाल रहे हैं आप, तो गर्मा गर्म व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं। ये शीरा है तो इसको बनाने के बाद आप शीरे में इसको डिप करेंगे, फिर उसके ऊपर रख देंगे निचोड़ने के लिए इसको। कितनी देर तैयार करनी है, मतलब कितनी देर में बन जाएगी ये जो जलेबियाँ? 2 मिनट में तैयार हो जाती हैं। तो जो इसका ये मिक्सचर वगैरह होता है ये आप सुबह को तैयार करते हैं कि रात को तैयार करके रखते हैं? ताज़ा बनाते हैं आप? ठीक है, तो भी बस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबियाँ भी तैयार हो रही है और यहाँ पर शीरा पड़ा हुआ है इसके अंदर। अभी ये इसको डिप करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मज़ेदार सी जो उसकी तो आपकी मनपसंद जलेबियाँ वो कैसे तैयार होती हैं। ये ले, अब इन्होंने इसको शीरे के अंदर डाल दिया है। अभी निचोड़ने के लिए ऊपर रख रहे हैं। अंदर नहीं जाए। अच्छा ये आप क्या तैयार कर रहे हैं, पूड़ियाँ तो नहीं है? सकते हुए हैं और एक इसको हाथ पर ही मतलब इसको बढ़ा कर इसको पूड़ी को जो है वो तैयार किया जाता है। घी वहाँ सामने गर्म हो रहा है, गर्म घी के अंदर इसको डालेंगे। देखिए ये देखें, ये ख़ास तरीका है किस तरह इसको मतलब घुमा कर डाला जाता है और दूसरे वहाँ पे खड़ा शख्स इनको घी को डाल के फ्राई कर रहा है और ये जो सी पूड़ी है तो मतलब जो क्रिस्पी सी तो फूल के तैयार हो जाएगी। तो ये देखें किस तरह घुमा कर इसको इन्होंने डाला है, तो ख़ास इसका एक मतलब ट्रिक होती है पूड़ियाँ बनाने की और इसको यहाँ पर वो आपके सामने तैयार करें। ये देखें इनका तरीका बनाने किस तरह मतलब हाथों से इसको बढ़ा कर किस तरह घुमा कर ये गर्म घी के अंदर इसको डाल रहे हैं। इनकी पूड़ियाँ बहुत मशहूर है और हम लोग भी इनकी पूड़ियाँ खाकर यहाँ से लेकर जाते हैं। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी नाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स आज की जो सी हमारी वीडियो है वो है शब बारात के हवाले से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज शब बारात है तो शब बारात के हवाले से आज जो मतलब यहाँ पर सुबह सुबह शुरू होता है वो काम वो नाश्ते का, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे हलवा पूड़ी मंगाई है और आप सब लोगों से, क्योंकि आप लोग सब हमारी यूट्यूब की फैमिली हैं तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हम लोग भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि किसी के मुसने के लिए दुआ ना जाने कब कबूल हो जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि पूरी जो सी रूटीन है शब बारात की, मतलब जिस तरह हम लोग सुबह को अपने मतलब नाश्ते से शुरू करते हैं, हलवा पूड़ी मंगवाते हैं और आज के दिन में बहुत मतलब स्पेशल चीज़ें बनती हैं, लोग एक दूसरे को जो शादीशुदा लोग हैं मतलब जो वालदैन अपने बच्चों को शब बारात भेजते हैं या भाई अपनी बहनों को भेजते हैं, तो आप लोग भी इसी तरह शब बारात के मौके पर अपने सब बहन भाइयों को याद रखें, एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। तो अब हम लोग अपने नाश्ते को शुरू करते हैं, बस आप लोगों से यही थी रिक्वेस्ट कि आप सब लोग हमें भी दुआओं में याद रखें, हमारे लिए भी दुआ करें क्योंकि आप सब हमारे बहन भाई हैं। और हम लोग यहाँ पर जो सा नाश्ता शुरू कर उसके बाद बाकी हम अपनी दिन की रूटीन दिखाएंगे आज की कि शब बारात पे क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशल होता है वो कचौरियाँ बनती हैं, पूड़ी बनती है, कतलम्बे बनते हैं और इबादत की जाती है, सब कुछ साथ साथ होता है और एक मतलब नमाज 6 नफल होते हैं वो भी पढ़े जाते हैं, तो आप लोग वो भी ज़रूर पढ़िएगा उस मतलब नवाफिल को, जो ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, दराजी उम्र के लिए होते हैं, तो आप लोग वो पढ़ें, सूरतें पढ़ें, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में और इबादत कीजिएगा अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, ताकि जो वबा फैली हुई है हमारे मुल्क में वो ख़त्म हो जाए, कोरोना की जौन सी वबा है और हर तरफ अमन अमान और तरक्की की जौन सी हैं वो राहें वो गामजन हो जाए हमारा मुल्क इस तरह। तो हम इसको शुरू करते हैं नाश्ते को और फिर आप लोगों को बाकी शबे बरात है आज, तो हम लोगों ने सुबह पहले हलवा पूड़ी का नाश्ता किया है और अब हम लोग बाज़ार गए थे तो मैंने मम्मा से कहा कि हमें मतलब मुझे रिशी सैलड खानी है, शवारमा खाना है, तो मम्मा ने मुझे ले दिया, तो थैंक यू मम्मा आपने मुझे चीज़ लेके दी। और वैसे भी आपको पता है जब बच्चा साथ जाता था तो माँ बाप का बनता है कि वो ज़रूर उसको चीज़ ले कर दें,
तो ऐसे ही मेरे मम्मा से कहा कि मुझे लेकर दे, तो मम्मा ने मुझे चीज़ ले दी। तो मम्मा आप कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये बच्चे वो गए थे हम लोग बाज़ार, दवाइयाँ वगैरह भी लेनी थी, कोई सौदे वगैरह भी करके लेने थे। तो ये बच्चे कहने लगे कि हमने ये शवारबे वगैरह खानी है चीज़ें। तो फिर शाम का टाइम था, चलो मैंने कहा हल्की फुल्की भूख भी लग जाती है, अभी खाना भी नहीं इन्होंने खाया था, पूड़ियाँ सुबह खा ली थी ना, चलो मैंने कहा ये ले लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार से हमारे यहाँ पे शवारमे मिलते हैं और सैलड भी थी, रेशियन सैलड थी, बहुत मज़ेदार होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मम्मा से कहा कि हमें मतलब लेकर दें, तो फिर मम्मा ने ले दी। तो अब हम लोग इसको हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा कुछ खाते हैं और आपको बाकी वीडियो दिखाते हैं और हम लोग मतलब क्या मतलब आज करेंगे, आज की रूटीन क्या। सुबह हमने अपने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट हमने किया, हलवा पूड़ी मंगाई थी, बहुत ही मशहूर हलवा पूड़ी जो सी हमारे इलाके की है वो हमने मंगवाई। और अब हम लोग ज़रा आउटिंग के लिए गए थे, हल्की फुल्की भूख भी महसूस हो रही थी, तो हमने ये दो चीज़ें ले ली हैं, अब इसको खाते हैं बाकी। और व्यूअर्स, आप लोगों से जान चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।